नाखून के बराबर भी नहीं हूँ, आई एम सो टाइनी। ओ अब दो दोनों इस तरफ आ रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दैट डिफरेंट। ओ माय गॉड, हाय गाइस, इट्स शिवांगी, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड यस गाइस, स्वागत है आप लोगों का सूरत में। एंड आज हमारा प्लान है स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने का, एक्सप्लोर करने का। एंड मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो मैं सूरत आई गोगो फेरी के साथ। गोगो फेरी थी ना मम्मा उसका नाम? रोरो फेरी, आई एम सो सॉरी। हम रोरो फेरी से सूरत आए, 4 घंटे तक हम पानी में थे। एंड इट वॉज सो डैम गुड, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज, अगर आप सूरत आ रहे हो, गुजरात आ रहे हो, तो उस चीज को डेफिनेटली एक्सपीरियंस करना। एनीवे, काफी मशक्कत के बाद आई फाइनली डिसाइडेड टू वेयर दिस ड्रेस। मैंने ऑफ कोर्स पहले भी पहनी हुई, आप लोगों ने देख लिया होगा। आई एम गोना ट्विन विद माय मदर टुडे, शी इज आल्सो वेयरिंग द सेम प्रिंट। आप लोगों को पता है मैं और मम्मा काफी बार सेम कपड़े खरीदते हैं। एनीवे, जल्दी से मेकअप करते हैं, उसके बाद निकलना है यार। फाइनली मैंने आउटफिट चेंज कर लिया है। एंड एज आई सेड, कैब आने वाली है। मैं बहुत ज्यादा मेकअप तो नहीं करने वाली, क्योंकि मैं रात को आने वाली हूँ वहां से। एंड बहुत ज्यादा मेकअप के साथ ना वो चिक चिक हो जाती है, आई फील टू टायर्ड। आई डोंट नो आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बता दो। मेकअप को स्टार्ट करने से पहले मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी एकदम प्रॉपरली। Now it's time to apply foundation. अब टाइम आ चुका है एकदम हल्का सा ब्लश अप्लाई करने का। यार इतना सब कुछ कर लिया, मैं सोच रही हूँ लाइनर भी लगा ही लेती हूँ। बाय द वे, दिस लाइनर इज फ्रॉम मामा अर्थ। लाइनर तो मैंने लगा दिया है, नाउ आई एम थिंकिंग टू एक्चुअली अप्लाई मस्कारा, जो कि वापस से मामा अर्थ का ही है यार। आई एम डन। एनीवे, द लास्ट थिंग व्हिच इज रिमेनिंग राइट नाउ, आई नो यू ऑल कैन सी इट, मैंने लिपस्टिक अभी तक नहीं लगाई हुई है। आई एम रियली कंफ्यूज मैं कौन सा शेड लगाऊं। राइट नाउ आई हैव 9 shades ऑफ लिपस्टिक, ओके? दीज आर सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक्स फ्रॉम मामा अर्थ। आई हैव फ्यू कलर्स विद मी। सो राइट नाउ आई हैव जस्ट यूज्ड वुडी रोज, बिकॉज मुझे बहुत प्रिटी कलर लगा और ये 12 hours तक रहती है। दीज लिपस्टिक्स आर सुपर कंफर्टेबल टू वेयर एंड सुपर लाइट वेट, एंड दैट इज वाई दीज आर #फिट टू वेयर एवरी डे। They feel like nothing on lips. The best part is they waterproof bhi hai, smudge proof bhi hai, which makes it even more perfect to use it on daily basis. These lipsticks are enriched with goodness of jojoba oil, which helps in smoothen and soften the lips, and vitamin E, which helps to moisturize the lips. Yaar, ye sirf 399 rupees ki hai, which makes it super affordable. Aapko additional 20% off milega agar aap mera coupon code use karke Mamaearth ki website se kharidenge to. Ye products available hai Flipkart, Nykaa and Amazon pe bhi. And isi ke sath sath aap logo to pata hi hai ki Mamaearth ke physical stores bhi available hai, jahan पे आपको सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपके घर के आसपास कोई भी फिजिकल स्टोर होगा मुझे जरूर बताना, आई वुड लव टू नो दैट। बाय 2025 मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज, सो व्हेनेवर यू परचेज एनीथिंग फ्रॉम मामाअर्थ, दे लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दे प्लांट एंड यू कैन ट्रैक दिस ट्री थ्रू योर ऑर्डर। सो यस गाइस, मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। फटाफट अब मुझे सिल्वर ज्वेलरी पहननी है, कलरफुल बैग लेना है, एंड आई एम ऑल डन। अपडेट इज, हमने सारी टिकट्स ले लिए, सारी मतलब एक ही टिकट ली है जिसके अंदर काफी चीजें इंक्लूडेड है। जंगल सफारी भी जाने का हमारा प्लान है, एंड अभी आई थिंक हम बस से जाने वाले हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने। अभी डायरेक्टली फर्स्ट चीज वही करने वाले हैं, हम एंटरिंग द बस राइट नाउ। गाइस, कैन यू ऑल सी द स्टैचू ऑफ यूनिटी? इट्स हियर। आर यू गाइस रेडी टू सी स्टैचू ऑफ यूनिटी? वेट, आई एम गोना शो यू। इट्स राइट हियर गाइस, इट इज ह्यूज। यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह की भी काफी एक्टिविटीज है, पर ऑफ कोर्स हम वो नहीं करने वाले, हमें आज रात को ही निकलना है यहाँ से। मुझे ये जगह सुपर क्लीन लगी। एक तो मुझे पूरा गुजरात ही बहुत ज्यादा क्लीन लगा कंपैरेटिवली, एंड दिस प्लेस इज लाइक अमेजिंग, जस्ट लुक एट दिस। यार कितना भयंकर डेवलपमेंट किया है मम्मा इस एरिया का। गाइस इट्स सीरियसली आउट स्टैंडिंग, मतलब ये गांव था लिटरली पहले। अरे बाहर यहाँ से हमें चलना भी नहीं पड़ेगा। अरे यस मैन, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ किसी ऐसी प्लेस में। मम्मा इतनी एक्साइटमेंट में आप डांस कर रही हैं। यार हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, तब भी लोग आ रहे हैं। यार हो रही है डैडी, दिस इज द एंट्री। एंड गाइस ये कितना ऊंचा है, मैं ऊपर देख भी नहीं पा रही हूँ। मैं लिटरली उनके नाखून के बराबर भी नहीं हूँ, आई एम सो टाइनी। फाइनली वी हैव एंटर्ड दैट एरिया, एंड यहाँ पे एसी चल रहा है, दैट इज द गुड पार्ट, एंड इट्स ब्यूटीफुल। ये लग नहीं रहा ये इंडिया है गाइस। तो हम कहीं पे भी जाते हैं जो राइट अप्स होता है मैं कभी नहीं रीड करती हूँ, विच इज़ वेरी बैड, बहुत कम बारी रीड करती हूँ। बट ये 3 सदस्य मेरे घर के हमेशा जो भी लिखा होता है रीड करते हैं प्रॉपरली। क्या पढ़ा मम्मा आपने?
यही पढ़ा कि सरदार पटेल ने कैसे अंग्रेजों से अपने भारत के टुकड़े टुकड़े होने से बचाया। फ्रीडम फाइटर बहुत तगड़े थे आर्य, बट इनका नाम उतना नहीं है जितना होना चाहिए। सो इट इज़ बेसिकली आर ड्यूटी एज अ यूथ कि हम इन्हें याद करते रहे। थिएटर भी है यहाँ पे। नो, आई डिड नॉट नो अबाउट दिस। कितने कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये लोग देख रहे हैं। गाइस अब हम एंटर करें, मतलब हम उनकी चेस्ट पे है ना, चेस्ट के अंदर। यार इस जाली से हमें दिखेगा कि कैसा लगता है ये शहर। इस तरीके से यहाँ की एंट्री है। यार मैं कितने अच्छे से आप लोग को दिखा रही हूँ। वाओ, इसी बात पे लाइक कर दो प्लीज इस वीडियो को। ओ माय गॉड गाइस, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज अल्ट्रा प्रिटी। Just look at this. जो सर्कल दिखा है ये उनका बटन है चेस्ट में। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाली कि वो पूरा स्टैचू अंदर से है कैसा। Look at this. मेंटेनेंस के लिए देखो यहाँ पे वहाँ के उनके वर्कर्स के चलने के लिए सीढ़ियाँ वगैरह हैं। Hey guys, so ये basically comparison है. So Statue of Liberty बहुत ज्यादा फेमस है, हम सब लोग सोचते हैं फॉरन में ही बेस्ट चीज है, बट इसकी हाइट सिर्फ 90 मीटर है। एंड इफ यू सी हियर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है 182 मीटर्स, विच मेक्स इट वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट सॉरी स्टैचू। अभी हम आ चुके एकदम स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैर हैं। दिस इज ह्यूज एंड इसकी डिटेलिंग, ओ माय गॉड। Guys, if you notice here, यहाँ पे ये डोर है आई गेस अंदर जाने का। हमने ऊपर से देखा था ना स्ट्रक्चर के अंदर हम एक्चुअली जा सकते हैं। आई थिंक दिस इज द एरिया जहाँ से हम एग्जिट और एंटर कर सकते हैं। सेम इस वाले पैर में भी है। इस टाइम पे हम दोनों पैरों के बीच में है। Guys, we are crazy hungry, crazy, crazy, crazy. मम्मा आपको कितनी भूख लग रही है? बहुत ज्यादा गाइस। अभी सामने फूड कोर्ट है वो लिखा हुआ है। शॉकिंग बात, यहाँ पे स्टारबक्स भी है गाइस। तो ये है सरदार सरोवर डैम एंड यहाँ पे फ्लावर्स का गार्डन है, कैक्टस का गार्डन है। अब हम जाने वाले हैं जंगल सफारी के लिए। ओके गाइस, सो दिस इज द एंट्री ऑफ जंगल सफारी एंड आई एम सो एक्साइटेड। इसकी एंट्री इतनी ज्यादा ग्रैंडर, लेट्स सी अंदर कौन कौन से एनिमल्स हैं एंड किस तरीके का सेटअप है। सो वी जस्ट गॉट टू नो दैट ये अभी जू स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओरिएंटेशन सेंटर, ये ओरिएंटेशन सेंटर है, देख लो ये भी कितना सुंदर है। इसीलिए लोग बोल रहे हैं अभी इतना सुंदर नहीं लगेगा क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। एंड हम बोल रहे हैं भाई हमने जिंदगी में जितने जू देखे सबसे सुंदर जू होगा, एंड आप कह रहे हो ये अभी भी इनकम्प्लीट है। यार यहाँ पे काफी ज्यादा एनिमल्स है, आई एम सो एक्साइटेड जानवरों को देखने के लिए। थोड़े भयानक जानवर भी है बट इट्स ओके। ओ माय गॉड गाइस, ये व्हाइट टाइगर है, ब्लैक पैंथर है, ये फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ, दिस इज क्रेजी, मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं देखा। गाइस ये देखो छुप छुप के इसके पीछे जा रही है शेर के, बब्बर शेर के, एंड ये उससे डर भी रही है, पता नहीं ये क्या करने वाली है। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है गाइस। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, डिस्कवरी चैनल चल रहा है बिल्कुल। ऐसे ऐसे लग रहा है कि आपस में बिग बॉस चल रहा है। अभी तक का मेरी लाइफ का बेस्ट जू एक्सपीरियंस है ये, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। एंड तीन चार जगह तुम अपने आप में चलना है, उसके बाद यू गेट दिस रिक्शा विच इज इंक्लूडेड टिकट में एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू रोम अराउंड द जू गाइस। ओ माई गॉड, हिप्पोपोटामस। यार ये कितना डिफरेंट हुआ। ओह माय गॉड, ओ लॉन्ग, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गाइस, क्या हुआ बेबी मिट्टू? मोर गाइस, सारस ये कितना प्रिटी है। आई एम सो सॉरी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट कैमरे में वो कैप्चर ही नहीं हो पा रहा जो एकदम रियल आइस से हो रहा है। प्लस मेरा कैमरा बहुत पुराना हो चुका है, टू कम फिजिकली। हाँ उसने फैला दी अपने पंख। सो दिस पर्टिकुलर नेटेड एरिया इज स्पेसिफिकली फॉर बर्ड्स, ऑल टाइप ऑफ बर्ड्स, जो कि आई थिंक एक दूसरे को काटेंगे ही एंड साथ में अच्छे से रह सकती हैं। गाइस व्हाइट पीकॉक भी है यहाँ पे, ओ माय गॉड। एंड दिस इज द एग्जिट गाइस, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट कि इसको बनाने में इस पूरे जू को कितना खर्चा आया होगा। दिस इज मतलब ये लग ही नहीं रहा कि ये इंडियन जू है यार, जेन्युइनली इट्स सो 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 गुड। कहीं से आपको जू लग रहा है? कहीं से कोई अफ्रीकन मंकी है, कितना प्यारा है ये। हाय, तो ये शाम लग रहा है।
वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे ऑस्ट्रिच और जिराफ होगा. मेरा जिंदगी का सपना था ऑस्ट्रिच, जिराफ और पेंगुइन देखना. ऑस्ट्रिच जो कि अभी खाना खा रहे हैं, दे रहा जिराफ जो अभी अच्छे से नहीं दिख रहा है. लामा भी है, लामा बेटा यहाँ पे क्या नहीं है. सारे एनिमल्स है धरती के. You're at the laser show, guys, and here are a few subscribers. Okay, so finally, this whole Statue of Unity thingy has come to an end. But yeah, all I have to say is you need to come here physically to experience each and everything. This place is amazing for each and everybody. Chahe wo senior citizen ho, chote bachche ho. हर सेक्शन का मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया है. एंड दिस इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड. बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखा गया है, ट्रैवल का ध्यान रखा गया है, इंटरनल मूवमेंट का ध्यान रखा हुआ है. कंटिन्यूस बसेस का मूवमेंट होता जा रहा है. इवन इफ़ यू मिस अ बस, दूसरे मिनट में बस आ जाएगी. एंड खाने पीने का सब कुछ, लाइक इट्स सो गुड. मैं जितनी बातें कर लूँ इस बारे में, आई डोंट थिंक सो 100% जस्टिफाई कर पाऊंगी यहाँ के एक्सपीरियंस को. सो ऑल आई हैव टू से इज यू हैव टू कम हियर फिजिकली टू एक्सपीरियंस ईच एंड एवरीथिंग. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. मैं जो भी वीडियोज बनाती हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों का प्यार देख के बनाती हूँ. थैंक्स अ लॉट. आप जो भी कॉमेंट करते हो, जितने भी लोग देखते हो, जितने भी लोग लाइक करते हो, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. सो या बाय.